Jai Hind everyone. Today we are going to discuss the last topic of unit 1, that is the sphagnum, genus sphagnum from the class Bryopsida, highly evolved or developed bryophytic plants. तो जनरली जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको यहाँ शो किया हुआ है देखिए ये पूरी तरह से कवर बना लेती हैं. They are present on rocks, on soil surface, on old walls, but they love shady and cold places where summers are not much prevailing. जहाँ पर hot season और summer season बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है वहाँ पर sphagnum easily grow करता है. और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्लांट है ना, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो ये अगर आप इस तरह सॉइल कवर पे देखें, लेकिन इसकी पहचान होगी, हम इसके कैप्सूल के बेसिस पे, इसके लीव्स के बेसिस पे इसको पहचानते हैं. अगर थोड़ा ब्रॉड व्यू देखें तो आप ये देख रहे हैं क्राउन ऑफ लीव्स, यानी स्टॉक के ऊपर क्राउन ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती है. तो ये भी इसकी एक पहचान है कि अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर देखें कि क्राउन ऑफ लीव्स प्रेजेंट है तो ये स्फैग्नम हो सकता है. देखिए ये जब फ्रेश कंडीशन में है, हम अगर इसको हाथ में लेके देखें तो आप क्राउन ऑफ लीव्स इसमें देख रहे हैं ऊपर की तरफ, और नीचे के स्टॉक में हल्का सा ब्राउनिश और डार्कनिंग होती जाती है, यानी लोअर पोर्शन डेड होता जाता है और ऊपर नई नई ब्रांचेस निकलती चली आती हैं इसमें. और ड्राई कंडीशन में भी इसकी यूटिलिटी है, और ड्राई में ये इस तरह से दिखाई देता है. ड्राई अगर ये सूख भी जाए, मान लीजिए अगर ड्राई भी हो और हम इसको वाटर कंटेंट दे दें तो ये अलाइव हो जाता है, यानी इसमें से नई ब्रांचेस निकलती हैं. हाँ, अगर हम इसको क्रश कर दें या इसको पीट की फॉर्म में, मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तब इसमें से न्यू प्लांट फॉर्मेशन नहीं. नाउ कम टू सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ स्फैग्नम. किंगडम प्लांटी, डिविजन ब्रायोफाइटा, क्लास स्फैग्नोप्सिडा. तो स्फैग्नोप्सिडा अब लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में इसको ट्रीट किया जाने लगा है, लेकिन अभी बुक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, प्रोस्कर ने दिया था. तो ब्रायोप्सिडा, तो इसका जो हाईली इवॉल्व थर्ड क्लास है दैट इज ब्रायोप्सिडा. फर्स्ट यू हैव स्टडीड हेपेटिक ऑप्सिडा, सेकेंड एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंड थर्ड ब्रायोप्सिडा क्लास. ऑर्डर स्फैग्नेल्स, फैमिली स्फैग्नेसी, एंड जीनस स्फैग्नम. तो यही इंपॉर्टेंट जीनस, जब भी हम लिखें या तो कर्सिव में लिखा जाए, लेकिन जब नहीं लिखते तो इसको अंडरलाइन करना जरूरी है. यू विल अंडरलाइन इन योर एग्जाम्स आल्सो. प्रैक्टिकल कॉपी में भी जब भी जीनस और स्पीशीज लिखें, अलग अलग अंडरलाइन करें, क्योंकि मैंने यहाँ एक कर्सिव या इटैलिक्स कर दिया है, क्योंकि हम स्ट्रेट और इटैलिक्स टाइपिंग में तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम हैंड रिटन करते हैं तो हमें अंडरलाइन करना जरूरी है इसमें. Now, come to introductory part of sphagnum. Sphagnum is a genus of approximately 380 accepted species of mosses or sphagnum, commonly known as peat moss. इसको हम commonly peat moss कहते हैं. तो कभी कभी short note आता है peat moss पे, तो हम आगे discuss करेंगे इसको. Most common species of sphagnum are sphagnum teres, sphagnum ovatum, and sphagnum squarosum. These are very common species. Accumulation of sphagnum can store water, since both living and dead plants, मैंने अभी बताया था, can hold large quantities of water. Dead का मतलब dead तो नहीं कहना चाहिए, dried कहना चाहिए इसको, क्योंकि मरते नहीं है ये बहुत समय तक, इनकी longevity बहुत ज्यादा होती है. तो हम लोग dead की जगह पर terminology dried use करें तो better होगा. तो living मतलब fresh green plants, और dried plants can hold large quantities of water inside their cells.
प्लांट्स मे होल्ड 16 to 26 टाइम्स एज मच वाटर एज देयर ड्राई वेट. तो वो अपनी ड्राई वेट का 16 to 26 गुना ज्यादा वाटर स्टोर कर सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ स्टैग्नम. The empty cells help retain water in drier condition. Dry condition में इनकी जो cells होती हैं वो भी water retain करने में support करती हैं, help करती हैं, मतलब water रोके रखने में. These are few species of sphagnum I have taken for you. This is sphagnum palustre. This is sphagnum muscarosum, teres, inundatum, angustifolium, and Gergansohnii. तो ये जो स्पीशीज हैं ये दीज आर सम इम्पॉर्टेंट स्पीशीज, तो हम इनको पहचान सकते हैं. जैसे टेरेस है, इसमें थोड़ा सा ऑरेंजिश येलो कलर है, ये थोड़ा येलोइश होता है लेकिन ग्रीन है. ऑल स्पीशीज आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर ब्रांचेस, प्रेजेंस ऑफ लीव्स ऑन द क्राउन, ग्रुप ऑफ लीव्स ऑन द क्राउन एंड देयर अरेंजमेंट मेक देम स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Now, मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में कि इसको पीट मॉस हम लोग कहते हैं. इंट्रोडक्शन में why it is called peat moss and this comes as a short answer question in exam. It is called as peat moss because they produce some acidic substances that is not suitable for the growth of fungi and bacteria. तो ये जहां ग्रो करते हैं वहां पर कुछ एसिडिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं और वहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ नेग्लिजिबल हो जाती है. तो दैट एसिडिक सब्सटेंस डू नॉट अलाउ फंजाई और बैक्टीरिया टू ग्रो, ड्यू टू विच द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट ऑफ द प्लांट्स बिकम स्लो. और साथ साथ जो मैंने अभी बताया था कि नीचे से ये ड्राई और डेड होता जाता है और ऊपर की तरफ ही न्यू ग्रो करता जाता है. लेकिन जो डेड पार्ट होता है उसका डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया और फंजाई नहीं है तो स्लो हो जाता है. ऐसे सब प्लेसेस पर कुछ एसिडिक स्मेल आती है ना, और वो एरिया मतलब जैसे बहुत सड़ी हुई चीजों की स्मेल है वो नहीं आती, सम एसिडिक स्मेल कम्स आउट दैट मेक्स इट पीट. अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड मटेरियल इज एडेड ऑन द पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल. चूंकि ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो रहा, पार्शियली हो रहा है, तो जो डेड मटेरियल है वहां एक्युमुलेट होता जाता है, डिकम्पोजिशन स्लो होता है. तो दिस पार्शियली डिकम्पोज मटेरियल एक्युमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ compact dark substance which is rich in carbon called as peat. इसको हम peat कहते हैं, इसीलिए इस moss को peat moss कहा जाता है. तो ये एक short answer 3 number का question आ सकता है. Next, इसको हम bog moss भी कहते हैं. तो why it is called as bog moss? ये दोनों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, पीट मॉस एंड bog moss. It is also called bog moss because as these plants are aquatic, so sometimes they cover, aquatic means they love more water. Sometimes they cover the entire surface of pond. ये पॉन्ड के आसपास किनारे किनारे लेक के और पॉन्ड के पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, और कभी कभी पानी की सरफेस पे भी ऊपर पूरा कवर बना लेते हैं जहां शेलो वाटर यानी कम पानी होता है, पानी प्रेजेंट होता है. एंड ग्रेजुअली ड्यू टू पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल दे कन्वर्ट देम इनटू अ बॉग, है ना. अब चूंकि पानी ज्यादा कंटेंट में है और पार्शियली डिकम्पोज होना है चूंकि एसिडिक मटेरियल सिक्रीट करते हैं, तो वहां पर ये बॉगी एरिया, बॉगी मतलब थोड़ा डर्टी एरिया, गंदा एरिया बना देते हैं जिसको बॉग कहते हैं. तो ये एक तरह से वेट लैंड एरिया में पाई जाने वाली मॉस की स्पीशीज और स्फैग्नम की स्पीशीज के कारण होता है. बॉग क्या है? अ वेट लैंड दैट एक्युमुलेट्स पीट. पीट तो है ही, पीट मॉस है, तो ऐसा एरिया जहां वेटलैंड है. वेटलैंड का मतलब पानी थोड़ा थोड़ा रुक जाता है, या कह सकते हैं मार्शी प्लेसेस हैं, दलदली भूमि है जहां पानी की कंटेंट ज्यादा होता है, वहां पर पीट एक्युमुलेट हो जाता है और वो एरिया बॉगी एरिया कहलाता है. चूंकि वहां डेड प्लांट मेटीरियल और पार्शियली डिकम्पोज डेड प्लांट मेटीरियल एक्युमुलेट हो जाता है, ऐसी जगह को हम बॉग कहते हैं. नॉट ओनली ड्यू टू स्फैग्नम, मार्शी प्लेसेस में इस तरह का कॉमन फीचर दिखाई देता है, तो वहां पर भी बॉग एरिया बनते हैं. और चूंकि इस मॉस के कारण बॉग एरिया बनेंगे तो हम इसको बॉग मॉस कहते हैं. तो ये दोनों शॉर्ट आंसर 3 number के क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है. तो मैंने दोनों आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको बताए. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफिट. द गैमेटोफिटिक फेज, क्योंकि हमें पता है कि ब्रायोफिटिक प्लांट्स में 2 phases होती हैं. 1 इज गैमेटोफिटिक फेज विच इज हैप्लॉइड फेज. गैमेटोफिटिक फेज में जनरली वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द थैलस और उन थैलस या लीफी प्लांट्स पर क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
जिनमें गैमीट्स बनते हैं, डेवलप होते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स, एंथ्रेनियम एंड आर्किगोनियम। इसीलिए इस पूरे पौधे को, जनरली प्लांट को, हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट, द प्लांट बियरिंग गैमीट्स और फॉर्मिंग गैमीट्स ऑन देयर बॉडी और इनसाइड द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक एंथ्रेनियम एंड आर्किगोनियम। नाउ गैमेटोफिटिक फेज कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट स्टेजेस, फर्स्ट इज जुवेनाइल प्रोटोनिमा एंड सेकेंड इज मेच्योर लीफी और गैमेटोफिटिक स्टेज। इसको हम लोग लीफी करेंगे, वाइस में ऐड कर देंगे, मैच्योर लीफी और गैमेटोफिटिक स्टेज। ऑन जर्मिनेशन स्पोर्स गिव राइज टू जुवेनाइल प्रोटोनिमा। जब स्पोर्स बन जाते हैं तो स्पोर्स के बाद, चूंकि स्पोर्स एप्लॉइड होते हैं, वहीं से गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट होती है। तो ये जब जर्मिनेट करते हैं तो ये प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर यानी फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाती है, जिनमें ब्रांचिंग भी हो सकती है और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकती है ब्रांचिंग इसमें। तो इनको हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल प्रोटोनिमा। इन प्रोटोनिमा से जब अपराइट ब्रांचेस निकलती हैं ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द सनलाइट, तब ये एक यंग गैमेटोफाइट को फॉर्म करता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, द प्लांट बॉडी कंटेन्स एंथोसाइनिन पिगमेंट, यानी इसमें अभी हम लोगों ने देखा था थोड़ा पिंकिश कलर के भी थे, तो वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण ये वॉयलेट और पिंक कलर की ब्रांचिंग शो करती है और कलर शो करती है प्लांट्स में। नाउ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर गैमेटोफाइट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा कोशिश करेंगे पॉइंट वाइज लिखेंगे, पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। जैसे हमने लिखा, द गैमेटोफाइट इज इरेक्ट और वर्टिकल हो सकता है, ब्रांच्ड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स, एक्सिस, लीव्स एंड लेटरल लीफ ब्रांचेस। सेकेंड पॉइंट है, द राइजोइड्स आर विद ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट ओनली इन द यंग गैमेटोफाइट। इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं और यंग गैमेटोफाइट में राइजोइड्स होते हैं, एक्सिस के बेस से अराइज होते हैं और जैसे जैसे ये मैच्योर होता चला जाता है राइजोइड्स की संख्या कम होती चली जाती है और मैच्योर गैमेटोफाइट में ये ऑल टुगेदर एब्सेंट होती हैं, क्योंकि नीचे का पोर्शन गलता जाता है, पार्शियली डिकम्पोज होता जाता है, ड्राई होता जाता है। थर्ड पॉइंट है, द एक्सिस और स्टेम इज वीक। हम जनरली स्टेम नहीं कहते ब्रायोफिटिक प्लांट्स में, लेकिन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है तो वी कॉल इट एज एक्सिस। ये वीक होती है, लॉन्ग एंड ब्रांच होती है, इट बियर्स स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसी तरह अपने टेक्स्ट में जरूर अंडरलाइन करें। नेक्स्ट पॉइंट है, एट द टिप ऑफ मेन स्टेम has densely crowded branches। मैंने बताया था कि crown of leaves present होती है तो branches भी apical end पे ज्यादा होती हैं, called as coma। तो इन branches को क्या कहते हैं जो apical end पे होती हैं, coma। कभी कभी coma पे तीन number का short note आ जाता है, तो coma का मतलब हमारा ये coma नहीं है जो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि ये coma shaped होती हैं इसलिए इनको coma कहा जाता है। ये coma bryophytic plants में, mosses में और specially sphagnum में crown पे present होती हैं और curved हो जाती हैं ऊपर से, तो इसलिए हम coma कहते हैं। एंड द ब्रांचेज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमल ब्रांचेस, राइट। The lateral branches on the main axis arise in the tufts, है ना, जो main axis पे branches, crown तो है ही है, उसके अलावा main axis पे भी branches निकलती हैं, वो भी group में होती हैं और दो तरह की branches होती हैं, है ना। और ये स्पेशली टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में, अगर एक्वेटिक है तो ब्रांचेस की संख्या कम होती है और ये क्राउन पे ज्यादा होती है, लेकिन जब मेन एक्सिस पे ब्रांचेस टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में होती हैं तो ये दो तरह की होती हैं, फर्स्ट पेंडेंट ब्रांच और सेकेंड डाइवर्जेंट ब्रांच। पेंडेंट का मतलब लटकी हुई, है ना, कुंडल की तरह से, तो पेंडेंट कहते हैं। These are directed below and hang downwards, so नीचे की तरफ लटकी होती हैं। They are also called as flagelliformes or decurrent branches। ये divergent कहलाती हैं second, इनको हम decurrent भी कहते हैं। अगर short note आता है ना, short note आ सकता है decurrent branches पर या flagelliform branches पर, तो ये pendant branches हैं। Divergent branches, these are directed upward। अब वो main axis से निकलती हैं और ऊपर की तरफ directed होती हैं। अभी मैं diagram में बताऊंगी। They are smaller than that of the pendant branches। These are also called as excurrent branches। तो terminology को याद रखेंगे, pendent branches called as decurrent branches, divergent branches called as excurrent branches। तो question आ सकता है decurrent and excurrent branches पे, तीन तीन number के आपके short answer question। Now in submerged plants, ये तो हमने terrestrial plants के लिए पढ़ा, in submerged plants they have all the branches similar in the form। उनमें दो तरह की
डाइवर्जेंट और एक्सकरेंट नहीं होती हैं ब्रांचेस, और पेंडेंट ब्रांचेस नहीं होती हैं, पेंडेंट और डाइवर्जेंट ब्रांचेस यहाँ पर सब एक जैसी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द लीव्स आर बॉर्न ऑन द मेन एक्सिस एज वेल एज ऑन द ब्रांचेस। मेन एक्सिस और ब्रांचेस दोनों पर लीव्स प्रेजेंट होती हैं। लीव्स आर स्मॉल सेसाइल यानी इनमें पिटियोल नहीं पाया जाता एंड विदाउट मिडरिब, मिडरिब इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट। देखिए अब आप डायग्राम से प्रॉपरली समझ सकते हैं, है ना। ये देखिए ये ऊपर की तरफ जो ब्रांचेस हैं ये छोटी हैं, ये ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, मैं इसको मार्क कर रही हूँ येलो से। ये छोटी छोटी ब्रांचेस जो कि कॉमा शेप्ड होती हैं, इसलिए कॉमा या कोमल ब्रांचेस कहलाती हैं ये। और नीचे की एक्सिस पर दिस इज मेन एक्सिस और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इस पे दो तरह की ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, जो पेंडेंट होती हैं उनको हम पेंडेंट ब्रांचेस और डाइवर्जेंट ब्रांचेस कहते हैं, और जो अपराइट होती हैं, है ना, दो तरह की ब्रांचेस, पेंडेंट लटकी हुई और दूसरी जो थोड़ी ऊपर की तरफ होती है वो डाइवर्जेंट। तो ये सब क्या है, डाइवर्जेंट ब्रांचेस हैं, और जो नीचे लटकी है ये वाली, ये पेंडेंट ब्रांचेस हैं। तो दो तरह की ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। लीव्स मेन एक्सिस, देखिए यहाँ भी है लीव्स प्रेजेंट, ये लीव्स है, यहाँ पे मार्क भी किया गया था, और इस पे भी लीव्स लगी हुई है जो की स्पाइरली अरेंज होती है। तो ब्रांचेस पे भी लीव्स प्रेजेंट होती है और इस पे भी। अगर हम ब्रांचेस का स्टडी करें, मैं एक ब्रांच का एपिकल लाइन बना रही हूँ यहाँ पर, तो ब्रांचेस पे स्पाइरली अरेंज लीव्स कैसे प्रेजेंट होती है, देखिए इस तरह से फर्स्ट लीव, सेकेंड लीव, थर्ड लीव, और उसके बाद फिर पीछे की तरफ बनेगा सर्कल, और फिर उसके बाद यहाँ आगे आ जाएगा। तो इस तरह से ये स्पाइरली अरेंज होती है ब्रांचेस के ऊपर और स्टेम पे भी पाई जाती है। अब इनमें मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो तरह के हैं, आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम, ये ब्रांचेस में होते हैं, इसको हम एंथ्रीडियल और आर्किगोनियल ब्रांच कहते हैं। तो एंथ्रीडियल और आर्किगोनियल ब्रांच अलग अलग प्लेस पे होती हैं। ये डायोशियस मोनोशियस होता है, एक ही में प्लांट में दोनों भी पाई जाती है, कुछ स्पीशीज डायोशियस होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये देख रहे हैं आप, ये आर्किगोनियल ब्रांच है, आर्किगोनियल ब्रांच एक्सिस पे नीचे की तरफ और एंथ्रीडियल ब्रांच एक्सिस पे ऊपर की तरफ होती है। तो जब मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बताऊंगी फिर ये बताऊंगी, लेकिन यहाँ प्लांट में बना हुआ है। तो ये ब्रांचेस के बीच में ही अराइज होते हैं, लोअर ब्रांचेस पेंडेंट ब्रांचेस के बीच में अराइज होते हैं आर्किगोनियल, और डाइवर्जेंट ब्रांचेस के बीच में अराइज होते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच। ब्रांच ही बनेगी उस पर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम प्रेजेंट होगी। तो विल स्टडी इंटर प्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टैग्नम। तो अब हमने पढ़ा है इसमें एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। तो राइजोइड्स इसमें वेरी सिंपल होते हैं, इनमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। तो ये राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं, मैं यहाँ पर आपको जनरल फीचर यहाँ ड्रॉ करके बता रही हूँ। तो जैसे ये एक्सिस है ऊपर की तरफ, एक्सिस के बेस पे पाए जाते हैं और यंग में होते हैं। तो दीज आर राइजोइड्स आर ब्रांच स्ट्रक्चर, यू कैन मेक इन योर कॉपी, इस तरह के होते हैं। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन एक्सिस के बेस पे ही पाए जाते हैं, जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है ये खत्म हो जाते हैं। अगर हम एक एनलार्ज स्ट्रक्चर देखें, ब्रांच स्ट्रक्चर, मैं एक सिंगल स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो इसमें इस तरह से ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं, ऑब्लिक सेप्टा आर प्रेजेंट। तो ये ऐसा लगता है कि ये मल्टी सेलुलर है, है ना। तो ये एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, इस तरह से ब्रांचिंग में सेल फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज दे आर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इनर वॉल इनकी स्मूथ होती है, लेकिन ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एज इन वी हैव स्टडीड इन रिक्शिया एंड मार्केशिया एंथ्रोसेरोस। तो दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वॉटर। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। चूंकि ये लीफी प्लांट है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं लीफी प्लांट, ब्रायोप्सिडा का मेंबर, तो इसमें डेवलप्ड एक्सिस होती है, लेकिन चूंकि इसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, तो देखते हैं कि क्या मॉडिफिकेशन होता है पेरेन्काइमा सेल्स में। जनरली ऑल ब्रायोफिटिक प्लांट्स आर पेरेन्काइमेटस, बट स्टेम इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू कॉर्टेक्स, प्रोसेनकाइमेटस रीजन एंड सेंट्रल सिलेंडर। ये तो दिखाई देने लगती है रीजन्स, क्योंकि इनके सेल का साइज डिफरेंट होता है और कहीं थोड़ी थोड़ी थिकनिंग के कारण सेल्स में डिफ्रेंसिएशन होने लगता है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं कॉर्टिकल रीजन और कॉर्टेक्स। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 लेयर्ड, बट इन सम स्पीशीज इट इज सिंगल लेयर्ड लाइक रिटॉर्ट सेल्स।
ना, तो इसमें क्या होता है कि कॉर्टेक्स में कभी कभी सिंगल लेयर्ड होती है और सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं कुछ स्पीशीज में, तो मैं स्पीशीज का नाम अभी बताऊंगी आपको। तो ये रिटॉर्ड सेल्स क्या होती है, मैं जनरल आपको व्यू दे रही हूँ, ये रिटॉर्ड सेल्स कॉर्टिकल सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनती हैं, स्पेसिफिकली फॉर रिटेनिंग द वॉटर। दीज रिटॉर्ड सेल्स इन सम स्पीशीज कॉर्टिकल सेल इंक्रीज इन देयर साइज एंड बिकम फ्लास्क शेप्ड, है ना, सुराई के जैसी बन जाती हैं, या फ्लास्क शेप, जो आप फ्लास्क अपने ग्लासवेयर यूज करते हैं लैब में, इनको हम रिटॉर्ट सेल्स कहते हैं। रिटॉर्ट का मतलब रिटॉर्शन से ये बनती हैं मॉडिफिकेशन के कारण। इनमें एक बेस होगा, राउंडेड बेस, और एक गर्दन होती है और एक पोर होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल इन स्फेग्नम मलस्कम रिटॉर्ट सेल्स एक्युमुलेट वाटर। तो सारी स्पीशीज में ये नहीं पाई जाती, कुछ में मॉडिफिकेशन होकर के बनती है ये, क्योंकि कभी कभी रिटॉर्ट सेल्स पे भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, तो मैंने यही आपको समझाया। सेकेंड इसका रीजन है प्रोजेनकाइमेटस रीजन। अब पेरेनकाइमा में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद ये सेल्स प्रोजेनकाइमा बनाती हैं। दिस रीजन लाइज इनर टू द कॉर्टिकल रीजन एंड कंपोज ऑफ 4 to 6 लेयर्स ऑफ स्मॉल, अब ये कंपेरेटिवली स्मॉल हो गई, थिक वॉल्ड नैरो सेल्स, राइट। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ पेरेनकाइमा में, कॉर्टिकल पेरेनकाइमा के इनर साइड में। एंड दीज सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द एक्सेस, क्योंकि इसमें ब्रायोफिटिक प्लांट्स में स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा नहीं पाई जाती, तो पेरेनकाइमा सेल्स में स्लाइट डिपोजिशन के कारण ये थिक वॉल्ड हो जाती है और मैकेनिकली सपोर्ट करती है। वैसे तो अभी भी सॉफ्ट एंड डेलिकेट है, लेकिन मॉसेस जनरली स्लाइटली हार्डर देन दैट ऑफ द थैलॉइड फॉर्म होते हैं, हेपेटिकॉप्सिडा और एंथोसिडोटॉप्सिडा के मेंबर्स ही कंपैरेटिवली डिफरेंट होते हैं। थर्ड पार्ट है सेंट्रल सिलेंडर। द इनर मोस्ट रीजन इज कॉल्ड एज सेंट्रल सिलेंडर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेडुला, है ना, तो मेडुला पे भी आ सकता है, मेडुला इन ब्रायोफाइट्स या सेंट्रल सिलेंडर ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ये इनर मोस्ट रीजन होता है एंड इज कंपोज ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, समटाइम्स द सपोर्ट इन द कंडक्शन ऑफ वॉटर एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटीरियल from the leaves to the lower part of the plant. Now come to the diagrammatic view. This is TS axis or TS stem, right? This is TS axis. You can differentiate three parts clearly. First part is cortex. Second part is porosenchymatous region and the third part is central cylinder. तो ये बाहर का region जिसमें लगभग एक जैसी parenchymatous cells हैं, thin wall cells हैं, but without intercellular spaces हैं, this is called as cortical region. सेकेंड पार्ट इनर टू द कॉर्टेक्स देख रहे हैं आप, ये थोड़ी सी थिक वॉल्ड है, डार्कर बनाई गई है, आप ध्यान रखेंगे डार्कर बनाएंगे इसको, क्यों, क्योंकि इनकी वॉल थिक हो जाती है और ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, ये प्रोजेनकाइमेटस रीजन है। सेंट्रल सिलेंडर को हम मेडुला भी कहते हैं, अगेन दे आर थिन वॉल्ड सॉफ्ट डेलिकेट विदाउट इंटरसेलुलर पेरेनकाइमेटस सेल्स फॉर्म द सेंट्रल सिलेंडर। तो जनरली यही व्यूज लगभग सभी स्पीशीज में पाया जाता है, ये इसका एनलार्ज व्यू दिया है आप देख सकते हैं, है ना, ये थिन वॉल्ड है और ये थोड़ी थिक वॉल्ड है और छोटी होती है कंपेरेटिवली। कॉर्टिकल सेल्स सबसे बड़ी होती हैं, आउटर लेयर सबसे बड़ी, उसके बाद थोड़ी छोटी, कभी कभी ये सिंगल लेयर भी होती हैं कॉर्टिकल सेल्स कुछ स्पीशीज में। और ये रीजन जो है ये बना रहा है प्रोजेनकाइमेटस रीजन, ये देख रहे हैं आप थिक वॉल्ड है, डार्कर है, अगेन ये थोड़ी कॉर्टिक्सिस छोटी होती है लेकिन प्रोजेनकाइमा से बड़ी सेल्स होती हैं, ये फॉर्म करती है सेंट्रल सिलेंडर। कभी कभी जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उनमें डिपोजिशन भी दिखाई देता है, है ना, आउटर लेयर में। और कुछ स्पीशीज जैसे मलस्कम में बताया कि ये मॉडिफाई हो जाती हैं, थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं ये सेल्स और ये रिटॉर्ड सेल्स बनाती हैं, तो सरफेस व्यू देखने पर ये बाकी सेल्स के कंपेरिजन में बड़ी दिखाई दे रही है, है ना, ये सेल्स बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम इनको लेटरल व्यू में देखें तो ये देख रहे हैं आप फ्लास्क शेप्ड है, ये बेस है इनका, बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, फिर स्लाइट छोटी सी नेक है और फिर पोर इनमें है ऊपर की तरफ, यू कैन सी है, है ना, ये रिटॉर्ड सेल्स में पोर होता है। तो ये कैपिलरी एक्शन से एटमोसफियर से वॉटर ले लेती है द रेनी सीजन और फिर इसमें स्टोर कर लेती है सेल्स में और काफी समय तक इसको ग्रीन और नम बनाए रखती हैं। तो ये रिटॉर्ड सेल्स हैं, तो इस पे जब शॉर्ट नोट आएगा तो ये दोनों डायग्राम आप बनाएंगे, दिस इज सरफेस व्यू एंड दिस इज लेटरल व्यू शोइंग रिटॉर्ड सेल्स।
और इसमें थिकनिंग है, और ये नॉर्मली सभी प्लांट्स में, सभी स्फेग्नम के स्पीशीज में इस तरह का स्ट्रक्चर एक्सेस में प्रेजेंट होता है. आई होप यू विल नोट डाउन ऑल द डायग्राम्स. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीव. जनरली लीव्स आर सेसाइल एंड वन सेल थिक, मिडरिब इज एब्सेंट. हमेशा कोशिश करिए टेक्स्ट को छोटे में, कम लैंग्वेज में और पॉइंट वाइज लिखें, तो इट विल गिव यू मोर मार्क्स और आपको क्लियरली समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा. द सर्फेस व्यू ऑफ लीव शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. इसमें दो तरह की सेल्स दिखाई देती हैं अगर हम सर्फेस व्यू देखें, क्योंकि ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वन सेल थिक है, पेपर की तरह से आपके है ना, एक सेल में लगी, एक लेयर में लगी हुई है सारी सेल्स. मल्टी सेलुलर ही होती है लेकिन एक ही लेयर में लगी होती है. इसमें पहले टाइप की सेल्स होती हैं क्लोरोफिलस सेल्स, जिनमें डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होती हैं. सेकंड होती है हाईलाइन सेल. हाईलाइन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट सेल्स और कलरलेस सेल्स. दीज आर स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द क्लोरोफिलस सेल्स. दीज आर पॉलीगोनल इन शेप एंड कलरलेस विद स्पाइरल थिकनेस. इसमें स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है जो इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है सिंगल लेयर में. हाईलाइन सेल्स हैव रिमार्केबल कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, इसीलिए इनको हम कभी कभी हाईलाइन सेल्स की जगह कैपिलरी सेल्स भी कह सकते हैं ना. कैपिलरी ट्यूब की तरह से इनका एक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए. द क्लोरोफिलस सेल्स एंड हाईलाइन सेल्स आर अरेंज ऑल्टरनेट इन द सीक्वेंस. ये ऑल्टरनेट सीक्वेंस में एक हाईलाइन सेल लगी होगी तो एक क्लोरोफिलस सेल लगी होगी. अभी हम लोग डायग्रामेटिक व्यू देख रहे हैं इसका कि कैसे ये दोनों टाइप की सेल्स लगी होती हैं. ये लीफ का स्ट्रक्चर है, ये फ्लैट टंग लाइक स्ट्रक्चर शो करता है. एज एपिकल एंड से थोड़ा सा नैरो और नीचे के एंड से थोड़ा ब्रॉड होता है. इनमें स्टॉक नहीं है तो ये कैसी है, ससाइल है, अव्रंतीय. अब अगर हम सरफेस व्यू देखें तो सिंपल, अगर हम इसको लीफ को माइक्रोस्कोप में रखें तो ऐसी दिखाई देती है कि पॉलीगोनली अरेंज सेल्स हैं. लेकिन जब हम इसको एनलार्ज स्ट्रक्चर देखते हैं हाई पावर में माइक्रोस्कोप में, तो देखिए ये क्लोरोफिलस सेल्स हैं जो, और ये हाईलाइन सेल्स हैं, तो ये ऑल्टरनेटली अरेंज हैं. क्लोरोफिलस सेल्स नैरो होती हैं, मैं देखिए येलो से मार्क कर रही हूँ, और इनमें डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, डॉट डॉट से दिखाया गया है. ये सेल्स क्या है, देखिए एक सेल, दो सेल, तीन सेल लगेगी एक जगह से, थ्री ही सेल, जैसे मैंने बताया पैरेन्काइमा सेल का अरेंजमेंट. तो ये क्या है, ये क्लोरोफिलस सेल्स हैं जिनमें डॉट डॉट क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट्स या क्लोरोप्लास्ट, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट है. अब इनके अल्टरनेटली ये जो सेल्स हैं, ये सेल क्या है, दीज आर हाईलाइन सेल्स. इनमें ये स्पाइरल थिकनिंग प्रेजेंट है, दिस इज स्पाइरल थिकनिंग ड्यू टू लिग्निफिकेशन. ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, दिस इज स्पाइरल थिकनिंग. तो ये हाईलाइन सेल्स और क्लोरोप्लास्टिक सेल्स और क्लोरोफिलस सेल्स ऑल्टरनेटली अरेंज होती हैं. अगर हम हाईलाइन सेल्स का अरेंजमेंट देखें तो ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज है, अगर सरफेस व्यू में देखें तो है ना, तो ये इस तरह से अरेंज होती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं. इनमें स्पाइरल थिकनिंग होती है, दे कैन एब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर लाइक कैपिलरी एक्शन. सो दिस इज अबाउट द vegetative structure of sphagnum. Tomorrow I'll continue with the reproductive part and sporophyte of the sphagnum. क्योंकि ये भी important है question exam के लिए. Complete gametophyte पे जितना आज पढ़ाया ये long answer question है, तो इसको तैयार कर लेंगे. और इसमें बीच बीच में मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बताए हैं, पीट मॉस क्यों कहते हैं, बॉग मॉस क्यों कहते हैं. आ सकता है लीफ ऑफ स्फैग्नम पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो जो अभी हमने पढ़ा लीफ ऑफ स्फैग्नम, यहां से इतना लिखेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे तो आपको आएगा 100 to 150 वर्ड्स. तो डायग्राम बनाएंगे और उतना ही लिखेंगे तो आपका एक से सवा पेज का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तीन नंबर का. तो तीन नंबर के क्वेश्चन को 1 to 1.5 मैक्सिमम लिखना है, एक सवा या डेढ़ पेज. अगर डायग्राम है तो डेढ़ हो जाता है क्योंकि कुछ लिखना है और एक पेज में डायग्राम बनाना है. तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह करना है. और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो आज हमने पूरा पढ़ा, दैट यू हैव टू प्रेजेंट इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. So if you have any query, so you may write in the comment box of this lecture. Still, I'm having 9 minutes, so you may ask question by writing, or if you raise your hand, I will allow you to unmute. I think आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि possibly mid-June में आपके examination start हो जाएंगे. अभी
यूजी के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं कल से, तो आपकी क्लासेस का जो भी शेड्यूल रहेगा अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल, आप देखते रहिए SMMTDC की साइट की क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, बाकी हम ग्रुप पे आपको शेयर करेंगे कि आपकी क्लासेस को सेक्शंस में डिवाइड करके डिपार्टमेंट में लेंगे या अगर L1, L2, L3 अवेलेबल होगा तो वहां लेंगे, तो क्योंकि एग्जामिनेशन में वो रूम्स कैप्चर्ड हो जाते हैं। तो आई अपोलोजाइज कि इस बार क्लासेस हम लोग ऑफलाइन कम ले पाए हैं, लेकिन ऑनलाइन ले रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। किसी को कोई क्वेश्चन है? एनीवन हैव एनी क्वेरी? ठीक है, गुड मॉर्निंग जरूरी है डालना, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, अमित, आरुषि एंड रितिका, मेनी मेंबर्स आर जॉइंट, आई विल शेयर यू द यूट्यूब लिंक, राइट योर अटेंडेंस इन द यूट्यूब लिंक और लाइक भी करिए, पता लगे कि आपको समझ में आया, लाइक का मतलब आपने चैप्टर को समझा, तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लगता है कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, ओके और अपनी अटेंडेंस जरूर दें। जो मेंबर्स अभी नहीं जुड़े हैं यूट्यूब पे मेरा एक कमेंट सुनेंगे तो यूट्यूब पे आप लाइक करिएगा। यस मनीषा, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? यू हैव रेज योर एंड हैंड, you may unmute yourself. okay, see you tomorrow then. आप YouTube पे भी कमेंट डाल सकते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहां लिख दीजिए कि मुझे ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूंगी कुछ शॉर्ट आंसर्स अलग से भी आपको समझा दूंगी लास्ट में। तो सेग्नम कल खत्म हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट दैट इज जिम्नोस्पर्म। ऑल द बेस्ट।